देखो, हम आज ग्रेड 5 का ई लर्निंग प्रैक्टिस सेशन साइंस लेसन है। चैप्टर हमारे पास यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। हेल्थ आपकी सेहत, एंड डिजीजेस वो तमाम डिसऑर्डर्स जो आपको होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। ऑल फूड्स कंटेन सब्सटेंसेस विच द बॉडी रिक्वायर्स। आपके तमाम खानों में हर वो सब्सटेंस, हर वो मटेरियल, हर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स बिकॉज दे हैव अ हायर फूड वैल्यू। कुछ फूड जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपको ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि उनकी फूड वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैट का इनटेक है, फैट ऑयली सब ऑयली चीज़ों का इनटेक है, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। लेकिन आपको पता है कि फूड आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आप देखते हैं किस तरह। ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर यू। एक तरह का खाना, बहुत ज़्यादा खाना आपके लिए अच्छा नहीं होता। ओवर ईटिंग से आपको पता है हार्ट स्ट्रोक वगैरह जैसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है। ईटिंग टू लिटिल ऑफ सम फूड्स कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। लेकिन एक चीज़, एक ख़ास न्यूट्रिएंट, किसी ख़ास सब्सटेंस का लैक ऑफ इनटेक, मतलब कम इनटेक जो है, वो भी हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे हमें माल माल नरिश जाते हैं। जो लोग जिन लोगों को खाना नहीं मिलता तो माल नरिश जाते हैं, ठीक है। उनको वो वीक हो जाते हैं, वीकनेस जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेक हमारे पास हैं। हमारे पास ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमने अनस्क्रैम्बल करना है और नीचे लिखना है, ठीक है। दीज फूड कंटेन्स, आपको पता है फिश में, एग्स में और मीट में होता है प्रोटीन। प्रोटीन ये वर्ड है जो हमने अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। ये आपको फैट नहीं करता प्रोटीन। ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट होता है ब्रेड्स में, पोटेटोज में और राइस में। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स। दीज फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एंड लिटिल प्रोटीन। दे गिव यू एनर्जी। ये आपकी क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास फिश में, वेजिटेबल्स में और हमारे पास ये है एप्पल और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वाइटमिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी, ठीक है। तो ये तमाम आपने कॉन्सेप्ट एक अपनी कॉपी पे लिख लेना है। ऑल्दो यू कैन ईजिली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी, देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी। आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स और कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। वो जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको एक ख़ास डिवाइस, ख़ास इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और आँख से नज़र नहीं आते, आम आँख से नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हर जगह में, इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन और ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के ऊपर, मिट्टी में, पानी में, हवा में, हर जगह पे ये मौजूद हैं। एंड ऑन द सर्फेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर प्रेजेंट हैं। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज़ अ वर्ड जर्म्स। हम इनके लिए आम अल्फाज में जर्म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जरासीम का लफ्ज़, व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम हार्मफुल, नुकसान पहुँचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम जर्म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जर्म्स का मतलब होता है जरासीम। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर आर। अब ये जो है आपका एक क्वेश्चन भी है, काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस से बड़े होते हैं, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं, एंड फंजाई जो हैं उनके साथ थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है प्लांट लाइक के साथ। तो ये चार किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं
और दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज़। और इनके ये अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट वेज़ में। इनके नुकसान भी हैं और इनके एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायरसेस का। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं वायरसेस, कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन देयर आर इन लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके, ह्यूमन बींग्स हों या कोई और मैमल हो या कोई और भी हो जिसको वो अफेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक होते हैं अपने उसमें ना, तो अपने टारगेट में स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स में ही जाके एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके ये एक्टिवेट होते हैं, उसके अलावा ये इनर्ट होते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते, ठीक है, ये डेड होते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, और ये वार्म गर्म इलाकों में और जिधर ह्यूमिडिटी होती है, जिधर नमी होती है, उन जगहों पे ये ग्रो होते हैं और जल्दी से रैपिडली डिवाइड करते हैं। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी कॉज करते हैं। सम डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस इन ह्यूमंस आर, ये तमाम एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने याद करनी है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ज़ुकाम को कहते हैं, ठीक है, जो आम ज़ुकाम होता है। चिकन पॉक्स है, कोल्ड है जो आपको जाड़ा जिसे कहते हैं, ठंड लग जाती है। मीज़ल्स एक ख़ास किस्म के दाने हैं। मम्स जो हैं वो आपको गले में जो गिल्टी टाइप बन जाती है उसको मम्स कहते हैं। और हेपेटाइटोसलाइटिस एक अलग चीज़ है और मम्स अलग चीज़ है। हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, लिवर में आपको इशू होता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वायरस अफेक्ट करता है जिनको, ठीक है। तो हमने वायरस का टॉपिक पढ़ लिया है और वायरस के बारे में आपको अच्छी खासी आइडिया हो गया। ये क्राउन्ड वायरस है, ठीक है, इसके ऊपर इस किस्म के स्पाइक्स आप देख रहे हैं। ये वायरस है, ख़ास वायरस है जो क्राउन्ड है। इन्फ्लुएंजा वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस बनाया हुआ, लेकिन आपको पता है कोरोना भी इसी तरह का होता है। बैक्टीरिया है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड, ठीक है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी नंबर में भी बढ़ते हैं। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन थ्री बेसिक शेप्स, और ये तीन बेसिक शेप में प्रेजेंट होते हैं। और ये तीन बेसिक शेप आपके पास ये हैं, एक स्पायरल है, एक बेसिलाई है मतलब ये रॉड शेप्ड है, और एक है कोका बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है गोल गोल जो इनकी स्फेरिकल शेप है, ये स्पायरल शेप्ड है। दे कैन कॉज इलनेसेस लाइक टाइफाइड, टाइफाइड एक डिज़ीज़ है जिससे सख्त किस्म का बुखार होता है और आपको ये, और ये अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से होती है। मेनिनजाइटिस है, वो मेनिनजस बैक्टीरिया आपके ब्रेन के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनको मेनिनजस बोलते हैं, ठीक है, मेनिनजस। ब्रेन के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो मेनिनजाइटिस है इन्फ्लेमेशन। ऑफ मेनिनजेस, ठीक है। एंड निमोनिया, निमोनिया आपको पता है लंग्स का डिसऑर्डर है। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने याद करनी है कि कौन सा बैक्टीरिया कितनी शेप में होती है, क्या चीज़ है और क्या कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। आप बता रहे हैं कि बैक्टीरिया हर दफ़ा हार्मफुल ही नहीं होता, नुकसान ही नहीं पहुंचाता, उनके कुछ यूज़ भी हैं, यूज़ भी हैं, और वो यूज़ जो हैं वो नीचे बताए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ बनाने में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है, योगर्ट बनाने में यूज़ होता है। दे डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट चीज़ एंड बटर, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड, कुछ बैक्टीरियल फ्लोरा आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ये एडवांटेजेस भी हैं। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये तमाम डिसऑर्डर्स आ जाएंगे और एडवांटेजेस में ये आ जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है फंजाई, ये जाए है, फंजाई है, ठीक है, जे से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। और सिंपल जो होता है वो फंगस होता है, उसको आपने जी से प्रोनाउंस करना है। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर, दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जो नेकेड आई से नज़र ना आ सके, और मैक्रोस्कोपिक का है मतलब
के जो नेकेड आई से नज़र आ सके, जो बड़ा हो। ये इसका मतलब, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। अब फंजाई में क्या क्या वैरायटीज़ हैं? मशरूम्स हैं, ये जो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और इनका नीचे स्टॉक होता है। यीस्ट है, यीस्ट गोल गोल से होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हैं। और मोल्ड जो हैं वो फफूंदी जिसको कहते हैं, मोल्ड जो हैं वो कलरफुल होते हैं, और जिस तरह ये ब्रेड पे लगा हुआ है और ये फ्रूट पे लगा हुआ है, ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड नहीं बनाते और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो, और वहीं पे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये मशरूम आप देख रहे हैं एक ट्री ट्रंक पे, अब वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी तो ये वहाँ पे उससे फूड ले रहा है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड, ग्रीन मोल्ड अभी ब्रेड पे है, ब्रेड से वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और वहाँ पे ये ग्रो हो गया है। मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड एंड रॉटिंग फ्रूट्स, ख़राब हुए हुए फ्रूट्स में भी ये आ जाता है। और स्टेल ब्रेड मतलब, स्टेल का मतलब होता है जो ख़राब हो चुकी हो, जो पुरानी हो चुकी हो, ठीक है। सम फंजाई लाइक माइक्रो लाइक मशरूम्स आर एडिबल, आप इसको फंगाई भी बोल सकते हैं लेकिन यूजुअली इसको फंजाई बोला जाता है। वैसे आप अगर गूगल ट्रांसलेट पे इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो वो फंगाई है, ठीक है। ऑल मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन, वैसे अब प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, कहीं पे करती है कहीं पे नहीं करती, लेकिन आप लोग जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें। सम फंजाई लाइक मशरूम्स, मशरूम्स हैं कुछ फंजाई आर एडिबल, जो कि खाने में, आपको पता है पिज्ज़ा बनाने में एडिबल होता है, एडिबल का मतलब है खाने के काबिल, ठीक है, जिसको खाया जा सके। बट सम आर पॉइजनस, लेकिन कुछ जहरीले होते हैं, मतलब कुछ में कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको खा के बंदा, मतलब वो फेटल होते हैं और बंदा मर जाता है। एंड शुड नॉट बी ईटन, और उनको खाया नहीं जा सकता। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं डेड एनिमल से, जिस तरह हम जिनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। आपको पता है कोई डेड एनिमल होता है या डेड ह्यूमन है या कोई भी चीज़ है, तो वो ज़्यादा देर तक हमारी दुनिया, हमारी अर्थ पे नहीं रहता, उसको डीकम्पोजर्स खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े हम कहते हैं खा जाएंगे, कि कीड़े मकोड़ों के खाने के बाद कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं और उसको वापस, उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वापस इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड प्लांट्स दीज फंजाई आर डीकम्पोजर्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा वॉट आर डीकम्पोजर्स, ठीक है। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, फंजाई डीकम्पोज, यहाँ तक इसका आंसर है। ये डीकम्पोज करते हैं, फंजाई डीकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल लिटर को। लिटर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको ज़ाया करना हो, ठीक है। कोई भी लिटर को वैसे गलाजत बोलते हैं, लेकिन लिटर आपको पता है कूड़े को बोलते हैं लिटर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो है उसको कहते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिग्रेड हो सके, जो ख़त्म हो सके, जिसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसी गलाजत या ऐसा लिटर या ऐसा गारबेज जिसको डिग्रेड किया जा सके, जिसको ख़त्म किया जा सके, उनको ये फंजाई जो है वो उन पे काम करते हैं, उनसे ऑब्टेन करते हैं फूड और उनको ख़त्म करते हैं, उनको वापस इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं और इस तरह सॉइल फर्टाइल हो जाती है। आप लोगों को पता होगा जहाँ पे ये डेड मैटर जो होता है, ह्यूमस जिसे कहते हैं, उसकी वजह उससे वो बेहतरीन खाद होती है, वहाँ पे अच्छी तरीके से प्लांट्स वगैरह उगते हैं क्योंकि सॉइल उधर की फर्टाइल हो चुकी होती है। डीकम्पोजर्स की ये भी एक डेफिनेशन बताई हुई है। वट आर डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो मरे हुए जानवरों को की मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन। फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी पर भी फंजाई ग्रो करता है। एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें रिंग वॉर्म की शेप का एक ना यूं करके आपकी बॉडी पर यूं रिंग वॉर्म सा बन जाता है। असल में रिंग वॉर्म कोई
अर्थवॉर्म टाइप चीज़ नहीं होती, वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जो कॉज करता है उसमें आपकी बॉडी में रिंग वॉर्म की शेप की वो जख्म, जख्म नहीं मतलब वो शेप की चीज़ बन जाती है, ठीक है। एंड एथलीट्स फुट वो है जो एथलीट्स मतलब खिलाड़ी कहते हैं एथलीट को, तो खिलाड़ियों का आपको पता है वो जॉगर्स वगैरह पहनते हैं, वो जो जिस किस्म की वो जो उनकी फुटवेयर होता है वो ज़्यादातर पाँव में पहने रखते हैं, और फिर वो उसको हवा वगैरह नहीं लगाते तो उनको इस किस्म की पाँव में हो जाती है, ये इसको फंगस कहते हैं, उसको उस कंडीशन कहते हैं एथलीट्स फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन, और उसके लिए सफाई की खास ज़रूरत होती है अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, टू अवॉइड सच डिजीजेज। यीस्ट इज़ अ फंगस यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स, और यीस्ट जो है वो ऐसा फंगस है जो ब्रेड बनाने में और तमाम और बाकी एंटीबायोटिक्स वो हैं जो बैक्टीरियल डिजीजेज को दैट प्रिवेंट। बैक्टीरियल डिजीजेस प्रिवेंट की जगह आप फाइट लिख लें, दैट फाइट बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ आपको हो गई है अगर कोई, तो आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। अब है प्रोटोजो आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब हमारे पास प्रोटोजो है, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, और इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो, और जब ये बॉडी में एंटर होते हैं तो ये लिव करते हैं, वहाँ रहते हैं और ये वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, नमी वाली प्लेसेस में ये ग्रो होते हैं, एंड कॉमनली फाउंड इन वाटर और पानी में पाए जाते हैं। डाइसेंट्री इज़ कॉज बाई प्रोटोजोन, डाइसेंट्री जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोन की जरिए का आती है, और डायरिया जो है जो लूज बाउल फीसेस जिससे बनती हैं जिस कंडीशन में उसको डायरिया कहते हैं, तो डाइसेंट्री और डायरिया जो हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़, देर आर मैनी डिजीजेज विच मेक अस इल, सम डिजीज आर कॉज वन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स। अब मज़ीद इस पैराग्राफ में जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। जब आपकी बॉडी को स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ मिनरल्स नहीं मिलता या विटामिंस का सप्लाई नहीं मिलता तो तो आपको एक डिजीज़ जाती है, और उस डिज़ीज़ को आप कहते हो डेफिशिएंसी डिजीज़। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कैल्शियम की इंटेक नहीं करते तो उनके नाखूनों में या उनके दांतों पे एक वाइट कलर का निशान बन पड़ जाता है, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और फिर उनको कहा जाता है कि वो कैल्शियम की इनटेक करें। या फिर जो लोग आयरन की इनटेक नहीं करते और उनकी वो जो आयरन की इनटेक नहीं करते तो फिर उनका ये होता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो फिर एनीमिक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आयरन की आप मज़ीद बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में आयरन होना चाहिए, और फिर वो इस तरह एप्पल या इस तरह की चीज़ों के इनटेक करते हैं, ठीक है। सम डिजीज़ आर कॉज बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो इस तरह कॉज होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी का एक प्रॉपर पार्ट नहीं काम कर रहा होता। सच डिजीज़ अफेक्ट लिवर, और इस किस्म की डिजीज़ जो हैं वो लिवर को अफेक्ट करती हैं, हार्ट को, किडनीज़ को और तमाम बाकी ऑर्गन्स को। दीज एंड डिफिशेंसी डिजीज़ और ऐसी डिजीज़ और डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो एक बंदे से दूसरे बंदे के इंट्रैक्शन की वजह से अगले को ना लग सके, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है, मतलब दूसरे को इन्फेक्ट नहीं होती, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग दीज फूड्स, और वाइटमिनस वगैरह की इनटेक से ये तमाम जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इन तमाम चीज़ों की इनटेक से ये डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती हैं। अब कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनको कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है, वो ऐसी होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती हैं, स्प्रेड फ्राम पर्सन टू पर्सन। दे आर कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, और ये जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर होने से लगती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल आपको अभी की जो कंडीशन चल रही है, कोरोना वायरस की जो कंडीशन चल रही है, वो हमें स्नीजिंग से, छींकने से या फिर किसी भी तरीके से आपका सलाइवा या फ्लूइड वगैरह दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, या फिर आप खांसें,
कफिंग से, ये इन तमाम चीज़ों से दूसरे को लग सकती हैं, ठीक है, ह्यूमन इंट्रैक्शन से ये लग रही हैं, और सिरा इस ह्यूमन इंट्रैक्शन को कंटेन करने के लिए लॉकडाउन की सूरत हाल लगाई हुई है। तो ये जो है वो जो है उसकी जो वो चूंकि वो वायरस की वजह से हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, तो वो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, अब एंटर किस तरह होते हैं बॉडी में, हम ये देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज माउथ एंड व्हेन यू ब्रीथ ईट और ड्रिंक। डिजीज इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जांपल्स। दीज डिजीज आर पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और अ स्नीज। आपकी बॉडी की किसी भी ओपनिंग से, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी पर कट लगा हुआ है, या आपका नोज़ आपकी एक ओपनिंग है, आपका माउथ आपकी एक ओपनिंग है, ठीक है, इन तमाम ओपनिंग से आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपकी कफिंग से, खांसने से, स्पिटिंग थूकने से और स्नीजिंग छींकने से जो है वो भी कम्युनिकेट होते हैं। द कॉमन कोल्ड जो आम जो जाड़ा होता है जिसको जाड़ा कहते हैं, और मीजल्स जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल हैं। दीज डिजीज़ आर पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अर कफ और अ स्नीज। और इन्फेक्टेड पर्सन से ये अगले को लग सकती हैं बाय कफिंग, खांसने से और छींकने से, ठीक है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ जाती हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन, आप स्किन पर आपके कट लगा हुआ है तो उससे भी ये एंटर हो जाती हैं। इंसेक्ट्स के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि इंसेक्ट्स किस तरह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंसेक्ट किस तरह डिजीज़ को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज टू ह्यूमन, इंसेक्ट्स से भी ह्यूमन को डिजीज़ हो जाती हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, आपको पता है मच्छरों से मलेरिया हो जाता है। येलो फीवर, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये तमाम डिजीज़ हैं जो इंसेक्ट्स के इंसेक्ट से कॉज होती हैं, आर कॉज बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्कीटोज, फ्लीज। फ्लीस एक ऐसा जो बग है जो आपके कॉटन पे या फ्लीस का जो कपड़ा होता है ना उस पे ये बग आके बैठता है, और बग्स जो है वो कहते हैं आम किसी भी कीड़े को, एंड सैंड फ्लाइज जो होते हैं उनसे ये डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेट होती हैं। इन्फेक्शंस कैन बी कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, और इन्फेक्शन वॉर्म से भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द हुक वॉर्म लार्वी कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन, ये एक ऐसे लार्वी कहते हैं जो इनिशियल डिवेलपमेंटल स्टेज होता है किसी भी इंसेक्ट का, तो जब हुक वॉर्म अपनी इनिशियल डिवेलपमेंटल स्टेज में होता है, बन रहा होता है, बच्चा होता है, तो वो ह्यूमन स्किन में बरो होता है। बरो कहते हैं खोद के अंदर चले जाने को, ठीक है, तो वो स्किन से अंदर चला जाता है, ठीक है। वंस इट इज़ अंडर द स्किन, जैसे ही अंडर स्किन के अंदर चला जाता है तो इट कैन गेट इन टू ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड के अंदर चला जाता है, छोटा सा होता है तो वो ब्लड के अंदर चला जाता है। इट इज़ देन कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड, और फिर वो ब्लड के दूसरे तीसरे बॉडी के पार्ट में चला जाता है, वहाँ पर डिजीज़ कॉज करता है। सम डिजीज कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, और कुछ इन्फेक्टेड फूड से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फूड पुराना हो गया या कोई पॉइजनस फूड है या वाटर या जो स्टेग्नेंट वाटर है या साफ सुथरा पानी नहीं है, कंटामिनेटेड वाटर है, उससे भी डिजीज़ कॉज होती हैं। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट, द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड। आपको ये बात आम पता है कि अगर आप खाना खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया और फंजाई बैठना शुरू जाते हैं और वहाँ पर वो ब्रीडिंग करना शुरू जाते हैं। ब्रीडिंग कहते हैं द एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, द एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। क्लोरेला है, कोलेरा है, ठीक है, और एंड टाइफाइड है, ये जो है वो ये कंटामिनेटेड वाटर से होती हैं, ठीक है, अनहाइजेनिक कंडीशंस से थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये जो है आपको गंदा पानी पीने से आपको ये डिजीज़ कॉज होती हैं। कोलेरा डायरिया या डाइसेंट्री जैसी डिजीज़ है। फूड पॉइजनिंग जो है वो किसी खराब कोई खाना
सही तरह आपने माइक्रोवेव नहीं किया, गरम नहीं किया, कोई सही तरह स्टोर नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, तो उससे आपको कॉज होती है, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रिपेयर्ड और कुक प्रॉपरली। ठीक है, जम्स इन फूड, फूड में जो हैं वो जम्स किस तरह आते हैं। जम्स नीड सर्टन कंडीशंस टू ब्रीड, सर्टन कंडीशंस चाहिए होती हैं जम्स को ब्रीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, ग्रो करने के लिए। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन। लेकिन अगर आप फूड को, आपको पता है, आप मीट को या किसी भी कोई खाना होता है उसको आप फ्रीज़र में फ्रीज करते हो, तो वहाँ पे फिर जम्स नहीं लगते। इफ़ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज, स्टेरिलाइज एक प्रॉपर प्रोसेस है जिससे जम्स हटाए जाते हैं। इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जम्स, स्टेरिलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जो जम्स को हटा देता है। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन यूज, नॉट बीन वॉश मे ऑल्सो लीड टू इलनेस। ऐसे वेजिटेबल्स खाना जो कि प्रॉपर तरीके से वॉश ना हुए हुए हों, उनमें वो ही पुराने वो जो पेस्टिसाइड्स उनकी ग्रोथ के टाइम पे लगाए गए थे, और वो तमाम वो जो बैक्टीरिया और वगैरह बैठे थे उन पे, वो चीज़ें आप वॉश ना करें या तमाम वो सही तरीके से उनको बॉईल ना करें तो इलनेस कॉज हो सकती है। ईटिंग अनवॉश स्पॉइल्ड फूड, स्पॉइल्ड ख़राब कहते हैं। अनवॉश्ड मतलब जिसको वॉश ना किया जाए, अनकवर्ड जिसको ढका ना जाए अच्छे तरीके से, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जम्स गेट इन टू योर बॉडी। और ये इन तमाम तरीक़ों से भी आपके बॉडी में जम्स जा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस फूड आर केप्ट सेफ, प्रोसेस फूड वो होते हैं जो आपकी तमाम मजीद फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होके आते हैं। ठीक है, सील्ड होते हैं, पैकिंग में होते हैं, उनको प्रोसेस फूड कहते हैं। प्रोसेस फूड आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और टिन्स, और ये प्लास्टिक और टिन्स में सील किए जाते हैं, उनको अंदर रखा जाता है। एयर इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द फूड, और उनके अंदर एयर, क्योंकि वो सील्ड होते हैं, उनके अंदर एयर नहीं जा सकती। ठीक है, सम फूड्स कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के ज़रिए भी इस फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। व्हेन सर्टन केमिकल्स आर एडेड टू फूड, जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन इट। ठीक है, जैसे ही वो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं फूड में, जर्म्स उनमें नहीं ब्रीड कर पाते। फूड्स दैट हैव बीन पैक्ड इन अ फैक्ट्री यूजली हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू देम। फूड जो हैं जिनके अंदर जो फैक्ट्री में पैक होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके अंदर ख़ास किस्म के केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उनमें जर्म्स ब्रीड ना कर सकें। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड, और अब हम एक ऐसा प्रोसेस पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स का, आपको पता होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स हैं जो अगर आप किसी फूड को या किसी चीज़ को लगा लिया जाएँ तो वो चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। प्रिजर्वेटिव्स अक्सर हम लोग डेड बॉडीज़ को भी लगा लेते हैं। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल डेड बॉडीज़ होती हैं उनको भी लगाए जाते हैं, जो पुराने ज़माने की जो रखनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ममीज़ वगैरह, उनको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स लगा देते हैं तो वो चीज़ बच जाती है ख़राब होने से। ठीक है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ वाइल बाय फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लुइस पाश्चर ने बताया था, और इस प्रोसेस में यह है कि टू पास्चराइज मिल्क, इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल्ड क्विकली। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। 60 डिग्री के टेम्परेचर, या आपको पता होना चाहिए, MCQ आ सकता है कि टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है और फिर फ़ौरन से ठंडा किया जाता है, और इस तरह इसके जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है हमारा, कीपिंग हेल्दी। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू, ये तमाम पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हैं 7, 8 पॉइंट्स हैं। वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। आपको रोशनदान और विंडोज़ वगैरह आपके घर में होने चाहिए जो वेंटिलेशन का काम कर सके, मतलब जो बैड एयर है उसको बाहर निकाल सके और फ्रेश एयर को अंदर लेकर आ सके। एयर क्लोथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। ठीक है, क्लोथ्स और बेडिंग, जो आपके बिस्तर हैं या जो आपको आपके कपड़े हैं, उनको आप हवा में और धूप में रखें ताकि उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सनलाइट से, एक तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। वाटर और फूड को
कवर्ड रखें, ढक के रखें और साफ़ रखें। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स, मिल्क आने से पहले, घर में दूध आने से पहले आप उसे बॉयल करें और फिर उसके बाद उसे यूज़ करें। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाई यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो इन्फेक्टिंग एजेंट्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है, दैट किल इन्फेक्टिंग एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स दैट किल इन्फेक्टिंग एजेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करें आप अपनी सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल आप फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए, तो इन डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते रहें। सैनिटाइज करें अपने आप को, अपने हाथों को और तमाम जगहों को, ठीक है, डोर नॉब्स वगैरह को सैनिटाइज करें। स्नीज इनटू अ हैंकरचीफ, टिश्यू और अ क्रूक ऑफ और द क्रूक ऑफ योर एल्बो। ये आपको अभी भी बताई जाती है जो आपका आउटब्रेक कोरोना आउटब्रेक है, जो जिस पेंडेमिक से अभी हम जिस पेंडेमिक को अभी फेस कर रहे हैं उसके में बार बार ये बताया जाता है कि आप एक रुमाल रखें अपने पास, उसमें छींकें, अगर रुमाल नहीं है तो टिश्यू पर छींकें, और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो एल्बो जो होती है आपकी कोनी, जो आपका जो आर्म और बाजू का जो हिस्सा है, वो जो आपका कर्व आता है, उस कर्व में, क्रूक कहते हैं कर्व को, एल्बो के जो क्रूक है, जो कर्व है, उसमें आप छींकें ताकि वो आपके हाथ में कोई स्पोर्स वगैरह ना हो जो अगले को इन्फेक्ट कर सकें, ठीक है। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, अगर आप सिक हैं, अगर आप बीमार हैं तो अपनी प्लेट, अपना स्पून, अपना ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, अपना टॉवल, ये सब चीज़ें मत शेयर करें दूसरे को, ठीक है। अपने ये जो रेज़र ब्लेड्स होते हैं ये आप अपनी सीजर्स वगैरह किसी को भी मत दें। गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड, और अपने आप को वैक्सीनेट करते रहा करें, जिस भी जहाँ पे भी जाएं आप, बच्चों को वैसे कर दिया जाता है वैक्सीनेट, लेकिन जहाँ पे भी आप सुने तो बार बार अपने आप को वैक्सीनेट किया करें, ताकि आप लोग वैक्सीन्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती हैं, आगे जो होने फ्यूचर में होने वाले वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक्स हैं। वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम टू रिमूव एनी डर्ट जर्म्स एंड पेस्टिसाइड्स। विच क्रिएचर्स कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड? फ्लाइज। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज में करने हैं। वट आर द मैथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड? बता दिया, फ्रीजिंग, स्टेलाइजिंग, प्रिजर्विंग, सीलिंग, बॉइलिंग। What should we always do before handling or eating food? We should always wash our hands thoroughly before handling or eating food. ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में करने हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बना दिया था हमने खुद, इसका आप लोगों ने अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। What are decomposers? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। हमने डू यू नो नहीं पढ़ा। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम। बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, प्रोटोजोआ जो है वो सिंगुलर है, नहीं प्लूरल है, और प्रोटोजोन जो है वो सिंगल है, ठीक है। फंगस जो है वो सिंगुलर है, और फंगी जो है वो है प्लूरल, ठीक है। इसकी आप लोग, ये आप देख सकते हैं।